بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک درخواست کروں گا आप लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही ना? फिर तो मिल मिल कर बैठने में कोई हर्ज नहीं है। दोनों तरफ अच्छी खासी जगह खाली है। ज़रा पीछे वाले किसे करा गया है ताकि जो लोग बाहर बैठे हैं वो क्यों गर्मी में बैठे हैं उनको भी अंदर जगह मिल जाए। कोई साहब दिखो में मेरी बात का तर्जुमा कर दें ताकि ये महिमा समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा मालूम है उर्दू समझते हैं लेकिन ज़रा देर में समझते हैं। जितनी जगह खाली है सब को खाली है ताकि बाद में जो अब आप तशरीफ लाएंगे उनको भी जगह मिले। जज़ाकुम अल्लाह। देखिए इधर से ही बैठ गए ये लोग और थोड़ा से इधर पीछे वाले आ गए इधर वाले जरा हो कोई बात नहीं अभी खाली है ना माशाल्लाह। जज़ाकुम अल्लाह। किसको किसको इंतज़ार है कोई बहुत अहम कॉल आने वाली है मोबाइल पर किसी की बहुत अहम कॉल आने वाली है तो भाई क्या करना चाहिए ऐसे मौक़ों पर शैतान से बचने के लिए। आपको पता है शैतान क्या करता है? जब वो आपकी तवज्जो नहीं हटा पाता तो आपके किसी दोस्त के कान में डालता है। हैदराबाद में बेंगलोर में चिंतामणी में कड़पा में अरे फना ज़रूरी काम है फना को फोन कर वो आपको फोन करता हूँ। अब इतने परेशान हो जाते हैं इतनी अहम बात है क्या करूँ उठ के भागूँ या यही बात करूँ। ये कौन करता है? शैतान। आप शैतान को नाकाम कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है कर लेते जल्दी से जल्दी कर जब बयान ख़त्म हो जाए तो उसे जान कर लीजिएगा। जल्दी करें तभी बात शुरू होगी। हो गया किसके किसके मोबाइल की स्विच अभी भी ऑन है ज़रा हाथ उठा के बताएं। ये इस्लाह और तरबियत की वजह से ना इस्लाह और तरबियत के लिए पहली शर्त है इकामत कहना मानना
सीखेंगे ना आज से इंशाल्लाह कहना कहना मानना सीखेंगे तो अल्लाह इस्लाह फरमा देंगे, तरबियत फरमा देंगे। अल्लाह मेरी भी तरबियत फरमा दे, आपकी भी तरबियत फरमा दे। अपने बड़ों की इताअत करके असल में हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से देखें। शैतान के गुमराह करने के जितने तरीके हैं, आदमी को उन पर नज़र रखना चाहिए और उनसे अपने को बचाना चाहिए। किसी रास्ते में कारपेंटर की दुकान है और बाहर कीलें पड़ी रहती हैं, आप गुजर रहे थे, आपकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई, दोबारा क्या करेंगे? उस रास्ते को अवॉइड करेंगे? और अगर मजबूरी में गुजरना होगा तो बहुत देख कर संभल कर गुजरेंगे, करेंगे? हम अपने दुनिया के मामले में कितने होशियार हैं, जिस जगह शैतान ने गुनाह कराया उस जगह को अवॉइड करते हैं, नहीं करते। क्यों? आखिरत का यकीन नहीं है, दुनिया का यकीन है, आखिरत का यकीन नहीं है। और जिसको आखिरत का यकीन ना हो मुसलमान होता है। अल्लाह हमें आखिरत का यकीन आता फरमा दे, तो हम क्या करेंगे? जिस दोस्त के साथ गुनाह होता है उससे दोस्ती बंद, जिस जगह जाकर गुनाह होता है उस जगह जाना बंद, जिस हाल में गुनाह होता है उस हाल से बचना जरूरी है। इसलिए कि मौत खतरनाक चीज नहीं है, गुनाह खतरनाक चीज है। मौत से कितना डरते हैं सब लोग, मौत डरने की चीज नहीं, वो तो आगे रहेगी। गुनाह डरने की चीज है, अगर गुनाह नहीं छूटे तो ये मौत जहन्नम में पहुंचा देगी, और अगर गुनाह छूट गए अल्लाह राजी हो गए तो ये मौत तो हमें अल्लाह के पास पहुंचाएगी। अल मौत जसरुन युसिरुल हबीब इलल हबीब, मौत तो एक पुल है जो एक महबूब को दूसरे महबूब के पास पहुंचाता है। हम लोगों का क्या हाल हो गया, मरने से डरते हैं, गुनाह करने से नहीं डरते। अब काहे से डरना है हमको? इंशाल्लाह गुनाह करने से डरना है। और पता है सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह है दिल का अल्लाह की याद से गाफिल होना। जब दिल अल्लाह की याद से गाफिल होता है तभी सारे गुनाह होते। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और दिल अल्लाह की याद से गाफिल है तो उसकी नमाज दुरुस्त होगी? बजाय तो नमाज हो गई, फर्ज अदा हो गया, लेकिन अल्लाह की वो नमाज होगी? अल्लाह ताला ने ऐसी नमाज ऐसे नमाजियों के लिए तबाही का तज़किरा किया, इरशाद फरमाया फवैलुल लिल मुसल्ली अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तबाही है, बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है। वो नमाज कबूल होती है, वो नमाज कामयाबी का ज़रिया बनती है जिसको पढ़ते वक्त दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, वो दिल में खुशु हो। قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, वो ईमान वाले कामयाब हैं जिनकी नमाजों में खुशु होता है, दिल झुका होता है, दिल में आजजी होती है, दिल में अल्लाह की याद होती है। अगर दिल गाफिल है तो किसी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने वालों का तज़किरा किया, रातों में उठ उठ कर नमाज पढ़ने वालों का और रातों में जाग जाग कर अल्लाह की इबादत करने वालों का तज़किरा किया। आसान काम है रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत करना, और कोई आसान काम है रोज़ा रखना, ख़ास तौर से गर्मी के ज़माने में? हर आदमी तो बैठा नहीं रहता घर में, एयर कंडीशन रूम में काम करना है, मसरूफियात हैं, उस पर रोज़ा रखना मशक्क़त होती है। बस अल्लाह ही आसान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर रोज़ेदार को अजर नहीं मिलता,
हर रात में जागने वाले को अजर नहीं मिलता। रुब साइम लैस लहू मिन सियामिही इल्ला जुअ व रुब क़ाइम लैस लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। बहुत से रोज़ेदार हैं जिनको भूख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। बहुत से रातों में उठ उठ कर इबादत करने वाले हैं, रातों में जागने वाले हैं जिनको जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि दिल गाफिल होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, शैतान तुमको निशाना बनाकर बैठा रहता है, ताक में रहता है। जब तक तुम्हारे दिल में अल्लाह की याद होती है, जब तक दिल में अल्लाह का ज़िक्र होता है, उस वक्त तक उसे मौका नहीं मिलता अपना इंजेक्शन लगाने का, अपना वसवसा डालने का। शैतान जो दिल में जहरीला इंजेक्शन लगाता है उसी को वसवसा कहते हैं। जैसे किसी इंसान को पकड़कर उसके बदन में जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाए, ख़त्म हो जाता है। तो इंसान इंसान के बदन में जो जहर का इंजेक्शन लगाता है उससे जान ख़त्म होती है, और शैतान दिलों में जो वसवसे का इंजेक्शन लगाता है उससे ईमान ख़त्म होता है। जान ज़्यादा कीमती है या ईमान ज़्यादा कीमती है? ईमान के हाल में जब जान जाए तो क्या कहने, बल्कि अल्लाह के रास्ते में जाए तो अल्लाह फरमाते हैं इसको तो हमेशा की ज़िंदगी मिल गई। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात। ईमान बहुत कीमती है। हमारे हज़रत ज़ुल्फ़िकार साहब ने अपने सफ़रनामे में एक वाक़िया लिखा है। रूस से जो रियासतें आज़ाद हुई थी, 70 साल उन रियासतों ने नहायत सालिमाना जबर का दौर बर्दाश्त किया था, जहाँ अल्लाह का नाम लेना जुर्म था, जहाँ नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, नस्लों से ईमान छीन लिया गया था। तो हज़रत जब तशरीफ़ ले गए उन रियासतों के आज़ाद होने के बाद, तो दो नौजवान आए हज़रत की खिदमत में कि हज़रत हमारी वालिदा बहुत बीमार हैं, आप तशरीफ़ ले चलें, उनके लिए दुआ फरमा दें। और उनको मालूम हुआ है कि आप तशरीफ़ लाए हैं तो उनकी भी ख्वाहिश है कि आप घर तशरीफ़ लें। हज़रत बहुत जल्दी में थे, हज़रत ने माज़रत की, और फिर किसी के घर जाना आसान नहीं होता। तो वहाँ के जो उलमा थे उन्होंने कहा कि हज़रत इन लोगों की दावत आप ज़रूर कबूल फरमा लें। जिस वक्त रूस का इनकलाब आया तो इनकी वालिदा नौ उम्र लड़की थी, उन्होंने घर घर जाकर औरतों को कुरान पढ़ाना शुरू किया, दीन सिखाना शुरू किया। सब लोग समझाते थे कि तुम जवानुल उम्र हो, रूसियों को पता चल गया तो तुम्हारी जान भी लेंगे, इज्जत भी लेंगे। वो कहती कि ईमान से बढ़कर न मेरी जान है न मेरी इज्जत है। 70 साल उस औरत ने मुसलसल मेहनत की। अब हालात अल्लाह ने बदल दिए हैं, वो बहुत कमज़ोर हो गई हैं, बिस्तर पर हैं। तो हज़रत ने कहा कि तब हम उनके लिए जाके क्या दुआ करेंगे, हम तो जाकर उनसे अपने लिए दुआ कराएंगे। ऐसी वलिया से तो हम अपने लिए दुआ कराएंगे, ज़रूर जाएंगे। वहाँ तशरीफ़ ले गए तो वो बेचारी बूढ़ी, हड्डियों का ढांचा, लड़कों ने उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया था, पूरा बदन पर लेटी हुई थी। हज़रत ने वहाँ जाकर उनके बच्चों से कहा कि अपनी माँ से कहो कि मेरे लिए दुआ करें। मालूम है उस औरत ने क्या दो, अल्लाह ईमान सलात। ऐसों को कद्र होती है ईमान की। पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी उसने दीन की खिदमत में गुजार दिया, अपने को ख़तरे में डाल करके, अपनी जान को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को ख़तरे में डालकर, और अखीर अखीर में जब मौत का वक्त करीब है तब भी फिक्र काहे ईमान की। तो अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए।
शैतान जो दिल में वसाविस के इंजेक्शन लगाता है उससे हमारे ईमान को खतरा होता है, जहर से हमारी जान को खतरा होता है, ईमान का खतरा ज़्यादा बड़ा खतरा है। अल्लाह उस खतरे से मेरी आपकी पूरी उम्मत की पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह की तरफ से मबऊस हुए ना। तो हमें भी पूरी इंसानियत की फिक्र करनी चाहिए, पूरी इंसानियत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ताक में बैठा रहता है, एक एक के दिल पर नजर रखता है और ताक में बैठा रहता है। जब तक दिल में अल्लाह की याद रहती है उस वक्त तक उसे मौका नहीं मिलता अपना इंजेक्शन लगाने का, और जैसे ही वो दिल को गाफिल पाता है फौरन अपना इंजेक्शन लगाता है। तो गफलत बहुत खतरनाक चीज है। हमने दूसरे गुनाहों को गुनाह समझा, गफलत को गुनाह नहीं समझा। उसका नतीजा ये है कि हमारे माहौल में कुछ आमाल बाकी रहे, रूह निकल गई, जान निकल गई, लेकिन जैसे ये पंखे लगे हुए हैं ना, काहे के लिए लगे हैं पंखे? हवा देने के लिए। कैसे चलते हैं? किरण से चलते हैं। अच्छा, किरण की सप्लाई ना हो और एक डंडा लेकर इसको ले जाए तभी तो चलेगा, लेकिन इसको चलना देते हैं। यूँ कहेंगे हाँ पंखा हिल तो रहा है लेकिन उसमें जान नहीं है। यही हाल हो गया हमारा। कुछ नकलो हरकत के नतीजे में, कुछ गुफ्त सुनीद के नतीजे में, कुछ समझाने और नसीहत के नतीजे में हम कुछ अमाल कर लेते हैं, लेकिन दिलों की गफलत नहीं ख़त्म हो रही। अल्लाह के दिलों की गफलत ख़त्म हो जाए, और जब दिलों की गफलत ख़त्म हो जाएगी तो फिर हर अमल में जान आ जाएगी। जैसे किरण टेप होता है, नतीजे अलग अलग होते हैं। वही किरण गीजर में जाता है तो पानी गर्म है, वही किरण फ्रिज में जाता है तो फ्रीजर से पानी ठंडा निकलता है, वही किरण पंखे को चलाता है तो पंखे से सादी हवा निकलती है, वही किरण एसी में जाता है तो एसी से ठंडी हवा निकलती है ना, एक ही करंट। और वही किरण आपकी गाड़ी के इंजन को चलाता है, अगर आपने फर्स्ट गियर लगाया हुआ है तो वही किरण गाड़ी को आगे बढ़ाता है, और अगर आपने रिवर्स गियर लगाया हुआ है तो वही किरण गाड़ी को पीछे हटाता है। उसके नतीजे अलग अलग हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ईमान आ जाएगा तो इमाम मुसल्ले पर खड़े होंगे, उनकी नमाज जानदार होगी। एक शख्स गलियों में जाकर अल्लाह की दावत दे रहा होगा, उसकी दावत जानदार होगी। एक तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, उसका जिक्र जानदार होगा। एक मजमे को अल्लाह की बात सुना रहा होगा, उसका बोलना जानदार होगा। एक नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज जानदार होगी। एक रोज़ा रखेगा, उसका रोज़ा जानदार होगा। कोई सदका करेगा, खैरात करेगा, उसका सदका और खैरात करना जानदार होगा, वो दिखावे के लिए नहीं करेगा। कोई हज करेगा तो उसका हज जानदार होगा, कोई उमरा करेगा उसका उमरा जानदार होगा। और अगर दिल गाफिल है तो हर अमल बेजान होगा, हर जगह रियाकारी हो जाएगी, हर जगह दिखावा हो जाएगा। और जब दिल गाफिल होता है तो पता है क्या होता है? जब दिल गाफिल होता है तो दिल में तारीकी होती है, और जब दिल जाकिर होता है तो दिल में रोशनी होती है। तारीकी के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, रोशनी के लिए मेहनत करनी पड़ती। इस वक्त आपके शहर में अंधेरा हो गया ना, ये तो मसनूई लाइटें जल रही हैं इसलिए रोशनी है। अगर स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी जाए, ये बिजली ये बत्तियां भी बुझा दी जाए तो अंधेरा होगा ना? क्यों हुआ अंधेरा?
अंधेरा सिर्फ इसलिए हुआ कि हम जमीन के जिस हिस्से पर हैं वो हिस्सा सूरज के सामने से हट गया। रोशनी तो सूरज से आती है ना, दिन में उजाला क्यों होता है? हम जमीन के जिस टुकड़े पर हैं, हम जमीन के जिस हिस्से पर हैं, वो हिस्सा घूम कर सूरज के सामने आ गया तो रोशनी हो गई। जैसे ही वो सूरज से हट गया अंधेरा हो गया। बिल्कुल इसी तरह जो दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गया वो रोशन हो गया। व अनीबू इला रब्बिकुम, लोगो अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहो, इसलिए कि रोशन तो अल्लाह है, रोशनी तो अल्लाह की ज़ात से आती है। अल्लाहु नूरुस समा अल्लाह ही ने तो जमीन और आसमान को रोशन कर रखा है। तो जिस तरह जमीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है वो रोशन हो जाता है, इसी तरह जो कुलूब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं वो रोशन हो जाते हैं, और जिन कुलूब का रुख अल्लाह से हट जाता है वो तारीख हो जाते हैं। जैसे आपके शहर का रुख इस वक्त सूरज की तरफ से हट गया तो तारीख हो, फिर घूम कर सूरज के सामने आ जाएगा दिन में, फिर रोशन हो जाएगा। लेकिन जमीन के लिए तो अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है कि ये घूमती रहे ताकि कभी दिन हो कभी रात हो। दिन भी अल्लाह की बड़ी नेमत है, रात भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। दिन को अल्लाह ने बनाया काम के लिए, रात को अल्लाह ने बनाया आराम के लिए। वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन-नहार मआशा, कि हमने रात को लिबास बनाया, जैसे लिबास बदन को ढाक लेता है ऐसी तारीकी की चादर पूरे माहौल को ढाक लेती है। और दिन को हमने काम के लिए बनाया तो ज़मीन के लिए ज़रूरी है कि वो घूमती रहे ताकि दिन के बाद रात आए, रात के बाद दिन आए। ये दिन के बाद रात का आना, रात के बाद दिन का आना, ये अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, जिसको कुरान ने कहा। लेकिन दिल के लिए ज़रूरी है कि ये घूमने न पाए, ये अपनी जगह फिक्स रहे, ये हर वक्त अल्लाह की जानिब मुतवज्जे रहे, ये पलटने न पाए ताकि इसमें कभी तारीकी ना आने पाए। दिल की तारीकी अल्लाह की रहमत नहीं है, दिल की तारीकी बहुत बड़ी मुसीबत है। रात की तारीकी अल्लाह की नेमत है, लेकिन दिल की तारीकी अल्लाह की नेमत नहीं है। दिलों को घुमाता है शैतान, और अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो घुमा सके। क्यों, आपकी गाड़ियों के स्टेयरिंग घूमते हैं कि नहीं घूमते? फिक्स कर दिए ना तो गाड़ी चल पाएगी? कितने ड्राइवर हैं इस मन में, अक्सरियत के हाथ उड़ जाएंगे अगर मैं हाथ उड़ा तो। गाड़ी चलाते हैं ना, अगर स्टेयरिंग को फिक्स कर दिया जाए तो गाड़ी चलेगी, चंद कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गाड़ी घूम सकती है, दाईं तरफ भी घूम सकती है। भाई तो क्या बैठ के घुमाते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर? किसी बच्चे को बैठा दीजिए ड्राइविंग सीट पर तो वो क्या करता है, उसे स्टार्ट करना तो आता नहीं, सिर्फ स्टीयरिंग घुमाता है। लेकिन जो समझदार है वो घुमाता है? नहीं नहीं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ घुमाता है। और अगर तेज़ चलती हुई गाड़ी को अचानक कोई स्टीयरिंग घुमा दे तो क्या होगा? हमारे जानने वाले सफ़र कर रहे थे, गाड़ी उनकी हल्की थी, छोटी थी, लंबे सफ़र के आदि नहीं थे, पहाड़ी मोड़ था, उन्होंने एकदम से उठा के स्टेयरिंग घुमा दी। आगे क्या हुआ हुआ बताने की जरूरत नहीं, गाड़ी गई खाई में, वो तो अल्लाह ने फ़र्ज फरमाया, जान बचाई। 3-4 महीने वो जाकर के उनकी गाड़ी चलने के काबिल। क्या हुआ, स्टेयरिंग घुमाई ना, स्टेयरिंग तो बनी है घूमने के लिए, लेकिन उसको घुमाने के लिए भी बड़ा कंट्रोल चाहिए। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हारा दिल तो ऐसा बनाया है कि ये पलटेगा, अब तुम्हारा इम्तिहान है, इस पर कंट्रोल करना सीखो, पलटने न पाए। कल्ब को कल्ब कहते ही इसीलिए हैं कि वो पलटता है, वो फिक्स नहीं है। अगर वो फिक्स होता तो उसका नाम कल्ब ना होता, सख्त होता। उसका नाम कल्ब इसीलिए न हो लेता, कल्ब वो सही आदमी फौरन पलट जाता है। अब हमारा इम्तिहान है, हम उसको पलटने देते हैं या नहीं पलटने देते, कितना कंट्रोल करके रखते हैं।
इसी इम्तिहान के नतीजे में तो जन्नत मिलेगी। अगर ये फिक्स होता तो फिर जन्नत का ही। आप देखिए ये आंखें क्योंकि नामहरम को देख सकती हैं और फिर बाजार में झुकी रहती हैं ताकि नामहरम को न देखें, तो अजर मिलता है ना। और कोई अंधा बाजार जाए और कहे दूसरे गुनाह तो हो जाते हैं मुझसे, कभी कभी हिम्मत भी हो जाती है, कभी कभी म्यूजिक भी सुन लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे नजर का गुनाह कभी नहीं होता। तो वो है नजर का गुनाह करने की पोजिशन में, वो तो अंधा ही बेचारा, वो क्या नजर का गुनाह करेगा, उसे नजर की हिफाजत का क्या अजर मिलेगा। नजर की हिफाजत तो वो करे जिसको अल्लाह ने नजर दी हो। और एक गूंगा कहे मैंने कभी किसी की कीमत नहीं की, वो गरीब क्या कीमत करेगा। एक बहरा कहे मैंने कभी म्यूजिक नहीं सुनी, वो क्या सुनेगा, उसने तो कुछ भी नहीं सुना, उसने म्यूजिक भी नहीं सुनी, उसने तिलावत भी नहीं सुनी, उसने तो अम्मा अब्बा की आवाज भी नहीं सुनी, उसने तो कुछ भी नहीं सुना। अल्लाह ने हमें हालत इम्तिहान में पैदा किया, बात समझ में आ रही है कि नहीं। हाँ, ये कहानी नहीं सुनाई जा रही, ये नजात की बातें हैं। और जिसकी नजात हो गई वही कामयाब है। हम सब बहुत ख़तरे में हैं, हमारे सामने जहन्नम है, जिसको अल्लाह जहन्नम से बचाएंगे वही बच सकेगा। अल्लाह ही के बचाने से बचता है, कोई अपनी मेहनत से नहीं बचता। लेकिन जब बंदा मेहनत करके अपनी तलब, अपनी सही, अपनी कोशिश अल्लाह को दिखाता है तो अल्लाह बचा देते हैं। अल्लाह ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, जिसे जहन्नम से बचा दिया गया और जन्नत में भेज दिया गया वो कामयाब। हम बहुत खतरे में, ज़ाहिरी एतबार से भी हम बहुत खतरे में, मानवी एतबार से भी हम बहुत खतरे में। ज़ाहिरी एतबार से तो यह हाल है, हम जिस ज़मीन पर बैठे हैं ना इसके नीचे मौत का सामान छुपा हुआ, अंदर ऐसे दहकते हुए उबलते हुए खोलते हुए लावे हैं जो अंदर सर पटक रहे हैं, बाहर निकलने के लिए बेचैन हैं। अगर उन्हें मौका मिल जाए तो सिकंडों में पूरा शहर तबाह हो जाए। जहां जमीन से लावे निकलते हैं, जहां आतश फिशां फटता है, वहां क्या हाल होता है। पूरी पूरी फिजा में राख उड़ती है, इमारतें ढक जाती हैं, तबाही आती है, बर्बादी आती है, जलजले आते हैं। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए तो नीचे भी खतरा है, और ऊपर से हर वक्त इतनी पत्थरों की बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है, हर पल होती रहती है, इतने खतरनाक पत्थर बरसते रहते कि एक छत बना रखी है अल्लाह ताला ने जमीन के ऊपर, एक छत बना रखी है अल्लाह ताला ने जिसमें आकर वो सारे पत्थर रुक जाते हैं, नीचे नहीं आप आने पाते। इक्का दुक्का कभी कभी कोई शहाब साकिब का टुकड़ा नीचे आ जाता है, वरना छत बना रखी है। और जैसे आपने मदीना तय्यबा में जो छतरियाँ लगी हैं देखी है ना, किसने किसने देखा है, माशाल्लाह, जिसने नहीं देखा अल्लाह उनको भी दिखाएगा, लेकिन कबूलियत के साथ दिखाएगा, सिर्फ आना जाना ना। जो नुस्खा बतलाया जा रहा है, अगर इस नुस्खे पर हमने आपने अमल कर लिया तो फिर इंशाल्लाह हर काम कबूलियत के साथ हो। अगर बारिश हो रही है और छतरी के नीचे खड़े होकर आराम से नमाज पढ़ने तो भीगेंगे, और एक रिमोट के जरिए छतरी बंद कर दी जाए, वो रिमोट से कंट्रोल होती है, एक रिमोट के जरिए छतरी बंद कर दी जाए तो क्या होगा, अचानक भीगने लगेंगे, आदमी परेशान होगा, अभी तो बारिश हो रही थी, मैं नहीं भीग रहा था, मैं कैसे भीगने लगा। और अंदर छत में जो गुंबद हैं वो चलते हुए हैं, वो भी देखें, मस्जिद नबवी में अंदर के हिस्से में चलते हुए गुंबद हैं, वो भी रिमोट से कंट्रोल होते हैं। एक तमाशा बतलाया आपको, हम पहली बार गए थे जब मदीना, तो रात में देर तक अल्लाह की तौफीक से मस्जिद में रहे, खूब इबादत किया, अल्लाह को याद किया, फज्र पढ़ के वहीं लेट गए, हमें मालूम नहीं था उस गुंबद के नीचे लेट गए जो चलते हैं। अब वो दिन में किसका दिए जाते हैं,
अब जो हमारी आंख खुली तो हम देख रहे हैं खुला आसमान, तो परेशान अल्लाह चटका भी हम तो छक्के नीचे बैठे थे, ये छक्का भी। फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये गुंबद खींच सकते तो रिमोट के जरिए खींच सकते हैं। अब अगर मस्जिद के अंदर आराम से नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, बारिश हो रही है, पता भी नहीं चल रहा, अचानक रिमोट के जरिए खिसका दिया जाए तो क्या होगा? अलग से थोड़ी बारिश बरसानी पड़ेगी, बारिश तो पहले से हो रही थी। वो जैसे ही गुंबद खिसके का अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा ना, जिन कौमों पर पत्थरों की बारिश हुई थी उनके लिए अलग से पत्थर बरसाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अल्लाह ने अपने अम्र के रिमोट से थोड़ी देर के लिए ऊपर से गुंबद खिसका दिया था। वो तो अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है, इस वक्त भी हो रही है। जमीन के नीचे से भी मौत का खतरा है, आसमान के ऊपर से भी। और ये जमीन हमको और आपको लेकर एक घंटे में 1000 किलोमीटर की रफ्तार से यूं घूम रहे, 1000 किलोमीटर की रफ्तार से तेजी में घूम रही, जैसे कोई लट्टू घूमता है ऐसे घूम रही। कशिश की ताकत है जिसने हमको और आपको जमीन में रोका हुआ है। कुमार का चक्कर देखा है, वो जो मट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं आपके यहां उनको क्या कहते हैं? कुमार कहते हैं, कुछ और कहते हैं? कुमार कहते हैं। अब मैं पूछ लेता हूं ताकि बात समझ में आए। तो कुमार का चक्का होता है ना, घूमता है, उस चक्के के ऊपर एक कंकड़ रख दो तो कितनी देर रखा रहेगा, कितनी दूर जाएगा, दूर जाके गिरेगा ना। कुमार का चक्का कितनी स्पीड से घूमता है? ये जमीन 1000 किलोमीटर की स्पीड से घूम रही, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? न मालूम कहाँ जाना चाहिए, किसने रोक रखा है? हर तरफ से हमारे लिए खतरा है। एक माहिर फलसफी ने तमाम हालात का तजिया करने के बाद लिखा कि अगर 1 फिट का लकड़ी का टुकड़ा, 1 फिट लंबा, 1 फिट चौड़ा या आधा फिट चौड़ा, और वो बीच समंदर में मौजों के साथ इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा हो, और उस पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हो, तो इस कीड़े की जिंदगी कितने खतरे में? किसी भी मौज के साथ वो लकड़ी का टुकड़ा पलट सकता है, वो कीड़ा डूब सकता है। बस वो जमीन को, वो लकड़ी को पकड़े बैठा हुआ है अपनी जान बचाने के लिए, शायद बच जाऊं, शायद बच जाऊं। बीच समंदर में मौजों के तलातुम में लकड़ी के उस टुकड़े पर छोटा सा कीड़ा जितने खतरे में है, अल्लाह की कसम हम में से हर एक इस जमीन पर उससे ज्यादा खतरे में। खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिस जमाने में ये बातें किसी को नहीं मालूम थी, दुनिया में किसी बड़े से बड़े फलसफी और साइंसदान को भी ये बातें नहीं मालूम थी कि जमीन के अंदर क्या है और आसमान के ऊपर क्या है। उस वक्त अल्लाह ने सवाल किया था, अमिन तुम मन फिस समाई अन यख्सिफ बिकुम अल अर्द फइज़ा हिय तमूर, क्या गारंटी है इसकी अगर अल्लाह तुम्हें जमीन में धसा दे तो तुम्हें कौन बचा सकता है? 2005 का वाक्य है, कितना साल हुए 2005 को बतलाओ, वो जो हिसाब लगा ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे मुल्क में कश्मीर में और पड़ोस के मुल्क में एक नहायत खतरनाक जलजला आया था, दिल्ली तक उसके झटके महसूस किए गए थे, लेकिन असल जलजले का मरकज हमारे पड़ोस के मुल्क में था। पता है क्या हुआ था उस जलजले में? अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, पूरी पूरी बस्तियां जमीन के अंदर गायब हो गई थी, पूरी इमारतें, मस्जिदें, रास्ते सब खत्म हो गए,
एक साहब पड़ोस के मुल्क में किसी बड़े शहर में इमामत करते थे, गांव के रहने वाले थे, उसी इलाके के जहां जलजला आया था। जब हालात नॉर्मल हो गए तो वो बेचारे गए कि जाकर देखें हमारे वालिदैन का क्या हाल है, ख़ानदान के लोगों का क्या हाल है। वहाँ जाकर ढूंढ रहे हैं गाँव कहाँ है पता नहीं चला। एक चरवाहे से पूछा यहाँ इस नाम का एक गांव था, उसने कहा वो जो दो पहाड़ियाँ हैं ना उनके दरमियान था, लेकिन जब जलजला आया था तो ऐसा लग रहा था कि दोनों पहाड़ियाँ यूँ आकर मिल गईं और बाद में हट गई थी और वो पूरा पूरा गाँव खत्म। أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ, کیا تم آسمان والے سے اس بات سے مطمئن ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے, فَإِذَا هِيَ تَمُور, اور پھر زمین بالکل برابر ہو جائے تمہارا نام و نشان۔ اَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير, یا تم آسمان والے سے اس بات سے مطمئن ہو کہ تم پر پتھروں کی باری برسا دے پھر تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کیسے ڈراتے ہیں۔ بے اوپر کوئی بڑا اور سمجھدار ہو تو شور نہ کرے, ذرا محبت سے بچوں کو بیٹھائے۔ کوئی صاحب بچوں سے زیادہ شور نہ شروع کر دیں, کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ بسا اوقات تجربہ یہ ہے کہ بڑے بچوں سے زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں۔ تو نیچے سے بھی خطرہ ہے, اوپر سے بھی خطرہ ہے۔ اتنے خطروں میں ہمیں کون بچاتا ہے؟ جو اللہ اتنے خطروں سے ہمیں بچاتے ہیں, چونکہ اس بچاؤ کے لیے اللہ نے ہم کو مکلف نہیں بنایا ہے, اپنے ذمہ لیا میں بچاؤں گا, ہم سے نہیں کہا زمین تو تمہیں نکلے گی تم بچو گے, آسمان سے تو پتھروں کی بارش ہوگی تم چھتریاں بناؤ۔ اتنے بڑے خطرے سے اللہ نے خود بچانے کا انتظام کیا۔ ایمان کے سلسلے میں فرمایا تم کو بچنا ہے, میں شیطان کو چھوڑ دوں گا اس لیے کہ یہاں تمہارا امتحان ہے, لیکن آپ بتلائیں جو اللہ زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کے اتنے بڑے بڑے خطرات سے ہر وقت ہم کو بچاتے ہیں, اگر واقعی ہم اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں گے تو کیا اللہ ہم کو شیطان سے نہیں بچائیں گے؟ پھر جھوٹ ہے یہ کہنا کہ ہم تو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں, نہیں بچ پاتے, نہیں بچنا پاتے, نہیں بچنا چاہتے اس لیے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ سے بچنا چاہیں اور اللہ نہ بچائے۔ بچنا چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو شروع میں بتلایا گیا تھا جس دوست کے ساتھ گناہ ہوتا ہے اسے دوستی بن, یہ ہے کوشش۔ جس جگہ جا کر گناہ ہوتا ہے وہاں جانا بند۔ شیطان گناہ کرتا ہے, شیطان سے ہوشیار, شیطان کا کہنا نہیں مانیں گے۔ شیطان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ دل غافل ہوتا ہے, دل کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جب دل غافل ہوتا ہے تو دل میں تاریکی آتی ہے, دل کو اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رکھیں گے دل کو فکس کر دیں گے, گھومنے نہ پائے۔ لیکن فکس کرے گا کون؟ ہم نہیں کر پائیں گے, ہم کوشش کریں گے تو اللہ کرے, ہم کوشش کریں گے۔ ہم کس چیز کی کوشش کریں گے؟ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ دل ہر وقت اللہ کی جانب متوجہ رہے, دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس کو کہتے ہیں انابت۔ کیا کہتے ہیں؟ انابت کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھاؤں میں, بالکل زندہ مثال سے پکڑے اس کو۔ دیکھیں یہ نماز کا ایک ہے, اس میں یہ قبلہ نما ہے,
ये बतलाता है किधर क़िबला है, यूँ किया तो ये बतला रहा है इधर क़िबला है, इसको घुमा दें तो क्या करेगा, क़िबले का निशान इधर घुमा दें, इधर घुमा दें तो क्या होगा, क़िबले का निशान इधर घुमा देंगे। अब घुमाते रहो सुबह से शाम तक घुमा, ये क़िबले की तरफ रहेगा वो निशान हमेशा क़िबले की, इसको कहते हैं इनाबत। मस्जिद में हो, बाजार में हो, घर में हो, गाड़ी में हो, पैदल हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, मशरिक की तरफ मुंह हो, मगरिब की तरफ मुंह हो, शिमाल की जानिब हो, जुनूब की जानिब हो, दिल करो हर वक्त अल्लाह की जानिब हो, इसको कहते हैं इनाबत। इसकी मशक करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, इसकी बहुत मशक करनी पड़ती है, मेहनत के बाद ये आता है। कौन कौन करेगा मशक, तो अल्लाह के खजाने में कमी भी नहीं है कि माल थोड़ा सा है, बहुत से लोगों ने हाथ उठा दिया कैसे देंगे, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं। सारी दुनिया के इंसान मिलकर नियत कर ले कि हम इनाबत सीखेंगे, अल्लाह सबको ये नेमत अता फरमा देंगे और अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं होगी। और सारी दुनिया के इंसान मिलकर ये तय कर लें कि हम अल्लाह को याद नहीं करेंगे, अल्लाह सबको महरूम कर देंगे और अल्लाह की अज़मत में कोई कमी नहीं आएगी। ना हम अल्लाह को याद करके अल्लाह का कुछ बनाते हैं, ना अल्लाह से गाफिल रहकर अल्लाह का कुछ बिगाड़ते हैं। याद करेंगे तो अपना बनाएंगे, गाफिल होंगे तो अपना बिगाड़ेंगे, अपना नुकसान करेंगे। अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। हम अल्लाह को कुछ नहीं दे सकते, तो जब बंदा मश करता है तो गोया अल्लाह उसके दिल को फिक्स कर दे, हर वक्त उसका दिल बस अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता। और ऐसे बंदों को देखकर शैतान भी रोता है, हसरत से देखकर ये मेरे हाथ से निकल गए, ये मुझसे जीत गए, मैं नाकाम हो गया, ये बच गए। इनका दिल हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता है, इसलिए इनका दिल हर वक्त रोशन रहता है, कभी दिल में अंधेरा होता ही नहीं है कि मैं इन पर हमला करूं। लेकिन कोई कितनी भी मशक कर ले वो मासूम नहीं हो जाता, रहता तो इंसान ही है ना, तो खतरा लगा रहता है, हर वक्त खतरा लगा रहता है। इसलिए ईमान वाला सबसे ज्यादा डरता है, अल्लाह की रहमत से उसे उम्मीद भी होती है कि अल्लाह ने मुझे बचाया है तो आइंदा भी बचाएंगे, लेकिन डर भी लगा रहता है कहीं मेरी किसी गलती की वजह से अल्लाह हिफाजत हटा लेंगे तो मैं शैतान के हवाले हो जाऊंगा। अल ईमानु बैनल खौफ व रजा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईमान वाले को हर वक्त उम्मीद भी रहती है, डरता भी रहता है। ये डर कब तक रहेगा, कब ख़त्म होगा? अल्लाह कहते हैं डरते रहो, एक वक्त आएगा हम खुशखबरी सुनाएंगे, अब डर खत्म, अब तुम हमेशा के लिए महफूज हो गए। लेकिन ज़िंदगी की आखिरी सांस तक डरते रहो और हमारी तरफ मुतवज्जे रखो और दिल को हमारी तरफ दिल का रुख रखो तो तुम्हारा दिल मुस्तकिल रोशन रहेगा। उस दिल को संभालना हमारा काम है, शैतान जब रुकावटें डालेगा हम उसे दूर करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को इनाबत हासिल हो सकती? हुजूर से बड़ा कोई जाकिर हो सकता था? हुजूर के कल्ब में कभी गफलत आ सकती थी? शैतान सर के बल खड़ा हो जाए हुजूर के दिल में कोई वसवसा डाल सकता था? लेकिन जिसे ईमान की नेमत मालूम होती है, उसकी कद्र होती है, उसके दिल में डर भी ज्यादा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी पहर में अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर आंसू बहाकर रो रो कर दुआ मांगते थे, या मुकल्लिबल कुलूब, सब
ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھرانے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمع دیجئے, اے دلوں کو گھمانے والے میرے دل کو فکس کر دیجئے. یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک, اور اے دلوں کو پھرانے والے میرے دل کو ہمیشہ اپنی فرما برداری کی طرف پھرائیے. جیسے میں نے ابھی مثال دے کر بتایا تھا نا, وہ پھرتا ہے تو قبلے کا نشان ہمیشہ قبلے کی طرف پھرتا ہے, بالکل اسی طرح حضور فرما رہے ہیں اے دلوں کو پھرانے والے میں کسی بھی حال میں رہوں میرے دل کو ہمیشہ اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف پھرائیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوموں کے امام اور سردار ہیں اللہ سے رو رو کر یہ مانگ رہے ہیں, تو ہمیں اور تم کو کتنا مانگنا چاہیے. اور دعا نام ہے دل کے, دل کی تمنا کا, اور جو تمنا ہوتی ہے انسان اس پر اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے. ایک آدمی کی تمنا ہے کہ شہر میں میرا بڑا اچھا گھر بن جائے, واقعی اس کے دل میں تمنا ہے, وہ بیٹھا رہے گا دن بھر سوتا رہے گا, کیا کرے گا, محنت کرے گا, پیسے کمائے گا, زمین خریدے گا, آرکیٹیکٹ کے پاس جائے گا, نقشہ بنوائے, سارے کام کرے گا نا, اس کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے. لیکن نوجوان کی تمنا ہے میری شادی ہو جائے, کہیں پیغام نہیں دیتا, پڑھتا لکھتا بھی نہیں, پیسے بھی نہیں کماتا, ہے تمنا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. تمنا, تمنا کا اظہار جو زبان سے ہوتا ہے اس کو دعا کہتے ہیں. اب ایک آدمی دعا کر رہا اللہ مجھے نیک بنا دیجیے, اور نیک بننے کی کوشش نہیں کر رہا, تو یہ دعا نہیں ہے, یہ دھوکے بازی ہے. اس کو نیک بننے کی تمنا کہاں ہے؟ اگر اس کو نیک بننے کی تمنا ہوتی تو یہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا, جو اس سے گناہ کراتا وہ اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا. مجھے نہ کہتا میں کیا بتاؤں, اصل میں پرانی دوستی تھی اس لیے میں اس کے ساتھ چلا گیا. یہ پرانی دوستی تھی یا پرانی دشمنی تھی؟ جو گناہ کرائے وہ تمہارا دوست نہیں ہے, دشمن ہے. کیا سمجھ میں آیا بچوں, کیا سمجھ میں آیا؟ جو گناہ کی دعوت دے وہ تمہارا دوست نہیں ہے, دشمن ہے. تو دشمن سے دوستی کرو گے؟ آج سے یہ اصول یاد رہے گا, بالکل پکی بات. توبہ کر کے زندگی بدلنے کی نیت کر کے یہاں سے اٹھنا ہے. ہاں میرے پاس وقت فالتو نہیں ہے کہ میں آپ کے شہر میں بار بار آیا کروں. اللہ جہنم سے مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے. یہ کام کی باتیں ہیں, اس لیے فیصلے کرنا ہے, زندگیاں بدلنی ہیں. جو گناہ کی دعوت دے وہ دوست ہے یا دشمن؟ تو دشمن سے دور رہتا ہے آدمی یا دشمن کے قریب جاتا ہے؟ ہاں اب آدمی کہہ رہا ہے اللہ مجھے نیک بنا دیجیے, اور نیک بننے کی کوشش نہیں کر رہا, تو یہ دعا نہیں ہے. ہم لوگ دعا پڑھنے کے عادی ہو گئے, دعا مانگنے کے نہیں. اللہ ہمیں دعا مانگنے والا بنا دے, دعا کرنے والا بنا دے. اقبال نے دعا کا ترجمہ کیا ہے, بچپن میں سب نے پڑھا ہوگا نا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, دل کی جو تمنا ہے وہ دعا بن کر میری زبان پر آتی ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اقبال سمجھا رہے ہیں دعا کہتے کسے ہیں, دعا تمنا کو کہتے ہیں. تو اللہ کہے کہ ہمارے دلوں میں یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ ہمارے دل میں کبھی غفلت نہ آنے پائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل روشن ہو, اور ہر وقت روشن ہو. اور دل روشن کیسے ہوتا ہے یہ کون بتائے گا؟ جس نے دلوں کو بنایا وہی بتائے گا نا. جس نے دلوں کو روشن کرنے کا نظام بنایا وہی بتائے گا نا. یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ دل کیسے روشن ہوتا ہے. اللہ نے دلوں کو بنایا, اللہ نے دلوں کو روشنی کا انتظام کیا, تو پھر اللہ ہی بتلائیں گے کہ دل کیسے روشن ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے دل روشن ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. آیت کل
ऐ ईमान वालों, बहुत कसरत से अल्लाह को याद किया करो। बहुत कसरत से अल्लाह को याद करने का क्या मतलब है? एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, पांच घंटा नहीं, 24 घंटा। कितना? 24 घंटा। अब 24 घंटे यही करेंगे तो खाना कब खाएंगे? कब आने कब जाएंगे? आराम कब करेंगे? और भी तो काम है ना। लेकिन याद करना है अल्लाह को 24 घंटे। अब मतलब समझो, ये 24 घंटे अल्लाह को याद करना है दिल से। और जब आप कमाने जाते हैं तो वहां दिल का तो कोई काम नहीं होता, हाथ से काम करते हैं, पैर से चक्कर जाते हैं, जबान से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, दिमाग से सोचते हैं, दिल का तो कोई काम नहीं ना। खाना खाते हैं, वहां भी दिल का कोई काम नहीं है, मुंह से खाते हैं। जरूरत से फारिग होने जाते हैं, वहां भी दिल का कोई काम नहीं। दिल का एक ही काम है, अल्लाह को याद करना। तो कसरत जिक्र के ये माना नहीं है कि आदमी इतने वक्त और इतने वक्त अल्लाह को याद करे। कसरत जिक्र के ये माना है कि आदमी हर वक्त अल्लाह को याद करे। यही माना है इनाबत के, और अल्लाह ने इनाबत का मुतालबा किया है। इनाबत फर्ज है। अनीबु इला रब्बिकुम, लोगों अपने रब की तरफ हर वक्त मुतवज्जे रहो। वह अस्लिमु लहू, और अपने आप को 100% अल्लाह के हवाले करो। ये फर्ज है, इसलिए दिल का हर वक्त अल्लाह की जानिब मुतवज्जे रहना फर्ज है। ये माना है कसरत जिक्र के। बाकी जो जबान का जिक्र होता है वो 24 घंटे नहीं हो सकता, इसलिए अल्लाह ने उसको अलग कर दिया। फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालों बहुत कसरत से अल्लाह को याद करो। वसब्बिहू बुकरतन व असीला, और उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी पाकी बयान करो। ये ज़बान का अमल है सुबह और शाम, उसके लिए औकात बताए। सुबह का वक्त, शाम का वक्त। बाल हजरात ने यूं कहा कि ये इशारा है पांचों नमाजों की जानिब। सुबह के वक्त यानी फज्र और जुहर, और शाम के वक्त यानी असर मगरिब और इशा, इसमें पांचों नमाजों की जानिब इशारा। ये भी हो सकता है, खास तौर से फज्र के बाद और असर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्बीहात पढ़ते थे, अल्लाह को याद करते थे और ताकीद करते थे कि खास अल्लाह को याद करने का वक्त है। ये भी हो सकता है, लेकिन दिल का अमल 24 घंटे का। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ताल्लुक से इरशाद फरमाया, तनामु आइना या वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं मेरा दिल नहीं सोता है। यानी नींद की हालत में भी मेरा दिल अल्लाह की जानिब मुतवज्जे रहता है। जो मेहनत करता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफत का फैज पाता है। अल्लाह मुझे भी आता फरमाए, आपको भी आता फरमाए, हत्ता कि मरने के बाद भी ये दिल जाकिर रहता है। मरने के बाद भी ये दिल बंद नहीं होता, इसलिए कि ये तो रूहानी दिल है ना, ये जिस्मानी दिल नहीं है, ये रूहानी दिल है जो अल्लाह को याद करता है। और मौत रूह को तो नहीं आती, मौत तो रूह और जिस्म के अलग हो जाने का नाम है। कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनके इंतकाल के बाद उनके सीने पर कान रख कर लोगों ने सुना और अल्लाह अल्लाह की आवाज सुनाई दी। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, गप भागने वालों और फेंकने वालों की बातें नहीं है, ये सच्चे इंसानों की, अल्लाह के वलियों की बातें हैं। हमारे हजरत भी जुल्फकार साहब दामत बरकातों, अल्लाह उनके उम्र में सेहत में बरकत आता फरमाए, और वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह उनसे हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे जितने अकाबिर हैं, जितने मशायख हैं, जितने बड़े और बुजुर्ग हैं, सब अल्लाह की नेमत है, अल्लाह सबसे हमें फायदा उठाने की तौफीक अता। उनके शेख हजरत मुर्शिद आलम
मौलाना गुलाम हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हुआ तो हजरत में हयात हबीब में ये वाकया लिखा है कि मैंने अपने शेख के सीने पर कान रखा तो अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही थी, मैंने बतलाया, दूसरों ने कान लगा कर सुना, सबको सुनाई देती। दिल का मामला अलग है, दिल जिस्मानी हो या रूहानी, जाहिरी हो या मानवी, ये एक मर्तबा जब जिंदा हो जाता है तो जब तक जिंदा रहता है अपना काम करता है। जिस्मानी दिल मां के पेट के अंदर जब बनता है और चार महीने की मुद्दत के बाद बच्चे को जिंदगी मिलती है तो वो धड़कना शुरू हो जाता है। माएँ जब जाती हैं डॉक्टरों के पास नॉर्मल चेकअप के लिए हर महीने तकरीबन, तो वो सुनते हैं बच्चों की हार्ट बीट, क्या कहते हैं उसको, हार्ट बीट कैसी है, दिल की धड़कन सुनते हैं। और फिर जब तक मौत नहीं आती उस वक्त तक दिल चलता रहता है। एक सेकंड के लिए कभी दिल रुकता है? कभी नहीं रुकता। इस दिल को अल्लाह ने बनाया ऐसा है, जब ये जिंदा हो गया तो जब तक रहेगा अपना काम करता रहेगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिल अल्लाह को याद करता है वो जिंदा है, जो दिल अल्लाह से गाफिल है वो मुर्दा है। तो अल्लाह की याद के नतीजे में जिस दिल को ज़िंदगी मिल गई वो जब तक रहेगा अल्लाह को याद करता रहेगा। और रूहानी दिल तो मौत पर भी ख़त्म नहीं होता, मरता नहीं है, तो फिर उसका जिक्र कैसे बंद होगा? उसका जिक्र भी जारी रहे। बिल्कुल सीधी सीधी समझ में आने वाली बात है। उसके लिए दिल पर मेहनत करनी होती है, उसके लिए लंबे लंबे मुराकबे करने होते हैं। जब हम मुलाकातें करते हैं सालिकिन से और उनसे पूछते हैं कि मामूलात की पाबंदी हो रही, कहते हैं जी हजरत मामूलात तो हो रहे हैं, बस मुराकबा नहीं हो पाता। हमें पूछना पड़ता है फिर कौन से मामूलात हो रहे हैं। जैसे किसी से पूछे भाई आप खाना खाते हैं, तो जी मैं खाना तो रोज़ाना खाता हूँ, बस रोटी चावल नहीं खाता, चटनी खा लेता हूँ, सलाद खा लेता हूँ। तो जब रोटी चावल नहीं खाते, सालन नहीं खाते, तो खाते क्या हैं? उसको खाना चाहिए। असल तो कल्ब का जिक्र है ना, मुराकबा तो जिक्र है, कल्बी को कहते हैं। जब मुराकबा नहीं होता तो करते क्या हो? सिर्फ तस्बीहात काफ़ी नहीं है, तस्बीहात में भी तभी जान आएगी जब कल्ब जाकिर होगा। जो लोग पीछे बैठे हैं उनके पास मेरी आवाज़ आ रही है, तो भाई पीछे वाले बताएं आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है? स्पीकर से आ रही है या मेरे पास से आ रही है? स्पीकर से आ रही है ना, स्पीकर में आवाज़ कहाँ से जा रही है? अगर मैं बोलना बंद कर लूँ और ये माइक फेल हो जाए और स्पीकर पर एक लकड़ी लेकर मारे, आवाज़ तो तभी भी आएगी ना, लेकिन वो आवाज़ हकीकी होगी या मसनूई होगी? समझ रहे हैं मेरी बात? वो मसनूई होगी ना। असल आवाज़ तो यहाँ की है, बोलने वाला यहाँ से बोल रहा है, चाहे आप 2 किलोमीटर तक स्पीकर लगाते हैं वहाँ तक सुनाई देगा। मेरे दोस्तों, ज़बान का जिक्र तभी जिक्र बनता है जब यहाँ से जिक्र जारी हो, और जब यहाँ से जिक्र ना हो तो ज़बान का जिक्र बोल होता है, बोल वो जिक्र नहीं होता। बात समझ में आई? तो आप दिल पर मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन कौन करेगा? अगली मुलाकात में कहेंगे नहीं हो पाता, कौन कौन कहेगा? अल्लाह मदद फरमाए। बंदा जब हिम्मत करता है, कोशिश करता है, अल्लाह ज़रूर मदद करता है। अल्लाह हमें जहन्नम से बचाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जहन्नम से बचाना चाहते हैं, और हमारे लिए ख़तरा है, सख्त खतरा है जहन्नम का। अगर हम होशियार नहीं रहे और अगर हमारे अंदर जहन्नम से बचने की तमन्ना नहीं हुई और अगर हमने पूरी कोशिश नहीं की तो फिर अल्लाह छोड़ देंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे, वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़ अता ऐन, अल्लाह
एक सेकंड के लिए भी मुझको मेरे नफ्स के हवाले न कर दीजिएगा। जिसको अल्लाह की परवाह नहीं होती अल्लाह उसको छोड़ देते हैं, जाओ तुम जानो तुम्हारा नफ्स जाने। और फिर शैतान नफ्स से ऐसा खेलता है जैसे बच्चे बॉल से खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं ना बच्चे, एक ने इधर से किक मारी तो उधर गया, एक ने उधर से किक मारी तो इधर गया, ऐसे शैतान खेलता है। हम चाहते हैं कि शैतान हमसे ऐसे खेले, अल्लाह हमारी हिफाजत, हम बहुत खतरे हैं। इस खतरे से बचने का वाहिद रास्ता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालों बहुत कसरत से अल्लाह को याद करो, वसब्बिहू बुकरतन व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह करो, उसकी पाकी बयान करो, उसको ज़बान से याद करो, बैठ कर उसको याद करो। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें उतारते हैं, यानी जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह का एक निज़ाम है रहमत का, वो मुतवज्जे हो जाता है। वह मलाइकतुहु, और उस निज़ाम में ड्यूटी अल्लाह ने किसकी लगाई है, फरिश्तों की, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और वो निज़ाम मुतहर्रिक होता है काहे के लिए, लियुख्रिजकुम मिनज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर तुम्हारे दिलों को रोशन कर दे। काहे के नतीजे में या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जब कसरत ज़िक्र के नतीजे में कुलूब जारी हो जाते हैं, कुलूब जिंदा हो जाते हैं, तो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, अब इन दिलों को रोशन कर दो, और अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं, अब देखो शैतान इनके करीब ना आने पाए, इन दिलों की हिफाजत करो, ये हर वक्त हमारी तरफ मुतवज्जे रहे, शैतान बिल्कुल इनके करीब ना आने पाए, इन दिलों को रोशनी मिल जाती है। वकान बिल मुमिनीन रहीमा, और ये तुम्हारा कोई कर्ज नहीं था अल्लाह के पास, तुमने इसका कोई पेमेंट नहीं किया है, तुमने इसकी कोई अदायगी नहीं की, ये अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह ईमान वालों पर बहुत मेहरबान है, ये अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह हमें बचाना चाहते हैं। अल्लाह ने इंसानों को जन्नत के लिए बनाया है, जहन्नम के लिए नहीं बनाया, जहन्नम तो इंतजामी तकाजा है। देखिए यहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो स्कूल चलाते होंगे, एक काजी साहब को तो मैं जानता हूँ, दूसरे लोग भी होंगे चलाते हैं ना स्कूल, काजी साहब आपने स्कूल खोला है बच्चों को पास कराने के लिए कि फेल कराने के लिए, लेकिन कोई ना पढ़े तो क्या करेंगे, फेल करेंगे ना, तो फेल करना इंतजामी तकाजा है, ताकि इम्तिहान हो, बच्चे मेहनत करें, फेल करने के लिए स्कूल नहीं खोला है, पास करने के लिए स्कूल खोला है, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा उसको फेल किया जाएगा, तो फेल करना मकसद नहीं है, फेल करना इंतजामी तकाजा है। बात समझ में आई, इसी तरह जहन्नम में डालना मकसद नहीं है, जहन्नम में डालना इंतजामी तकाजा है। अल्लाह ने दुनिया में इंसानों को बनाया है जन्नत में भेजने के लिए, बात समझ में आई, अकल से ऊपर की बातें नहीं की जाती, सीधी सादी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, बस अल्लाह करे कि समझ में आ जाए और हम गिरा मान लें। तो अल्लाह हमें कहाँ भेजना चाहते हैं, जन्नत में, अब कोई जहन्नम में जाएगा तो अपनी गलती ही जाएगा, लेकिन फिर डालेंगे ताकि जन्नतियों के साथ इंसाफ हो। अच्छा, अगर पढ़ने वाले न पढ़ने वाले सबको ये पास कर दिया करें तो पढ़ने वालों के साथ ये इंसाफ होगा, फिर ना इंसाफ ही होगी ना, तो इंसाफ का तकाजा ये, इंतजाम का तकाजा है, इंसाफ का तकाजा है कि न पढ़ने वालों को फेल किया जाए, बिल्कुल इसी तरह इंतजाम और इंसाफ का तकाजा ये है कि न मानने वालों को जहन्नम में डाला जाए, बाकी मकसद ये है कि सबको जन्नत में पहुंचाएगा। तो अल्लाह हमें जन्नत में पहुंचाना चाहते हैं, जहन्नम से बचाना चाहते हैं, अल्लाह करे हम भी जन्नत में जाने की कोशिश करें, हम जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, जो जाना चाहेगा मेहनत करेगा अल्लाह उसे बचा ले। तो अल्लाह बहुत मेहरबान है। अब देखो चाहे जितनी मेहनत करें आखिर सांस तक डर तो लगा रहेगा ना, शैतान कितना खतरनाक है और कैसे हमले करता है। यूपी का एक मशहूर शहर है लखनऊ, राजधानी है यूपी की, नाम तो सुना होगा, जज़ाकअल्लाह। लखनऊ के अमीर जमात थे हाजी बादशाह अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे।
हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत भी उनको मिली थी, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब के बहुत चलिए थे और अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो जो लोग कमरे में मौजूद थे उनका बयान किया हुआ वाकया सुना रहा हूं। सब तकलीफ थी, नींद बेहोशी का आलम था। उन्होंने डांट करके कहा, निकल पाऊंगा दूर तो लोग परेशान हो गए और बाद लोगों को यूं लगा कि शायद तकलीफ की सख्ती की वजह से इस वक्त जहन काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। और हजरत ऐसी बातें कह, दो तीन मरतबा उन्होंने जोर से डांटा और उसके बाद चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। होश में आ गए आपको भी, तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने पूछा, हजरत आप किसको डांट रहे थे, कौन चला गया? फरमाया कमबख्त शैतान आया था ईमान पर डाका डालने के लिए। ऐसे ऐसे बलियों को नहीं छोड़ता है आखिर वक्त में, हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है? अखीर तक वो कोशिश करता है जहन्नम में ले जाने की, वो एक एक इंसान को अपने साथ जहन्नम में ले जाना चाहता है। जो 2 रुपए के लिए झूठ बोलता है, जो मामूली फायदे के लिए धोखा देता है, जो थोड़ी सी रूलिंग घुमाने के लिए दूसरों के पैसे दबा के रखता है, जो चेक देकर बाउंस कराता है, क्या होता है मार्केट में मालूम है? मुझे भी मालूम है, मैंने भी 20 साल कारोबार किया है, अल्लाह का फजल है, मैंने कारोबार किया। कारोबार में क्या क्या होता है, मार्केट में क्या हथकंडे होते हैं सब जानता हूँ। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। ये सब क्या है, शैतान का कहना मानना है ना, ईमान का सौदा करना है। तो जो थोड़े थोड़े नफे के लिए ईमान का सौदा करते हैं, अजान हो गई लेकिन क्या करें, ग्राहक का वक्त है, दुकान छोड़ करके मस्जिद नहीं आ रहे, शैतान का कहना मान रहे। तो जो सुबह से शाम तक ईमान का सौदा करता है वो मौत के वक्त में शैतान से अपना ईमान बचा पाएगा? कितना खतरा है मौत के वक्त में शैतान से अपना ईमान बचाने के लिए जिंदगी भर शैतान से फाइटिंग सीखनी पड़ेगी। नुकसान कर लूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, नुकसान कर लूंगा धोखा नहीं दूंगा, नुकसान कर लूंगा बेईमानी नहीं करूंगा। अल्लाह हू अकबर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दीन के बहुत बड़े इमाम थे, सबको मालूम है। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ये भी सबको मालूम है। आड़त थी इमाम साहब की। उस जमाने में टेक्सटाइल के कारखाने तो होते नहीं थे, घरों में कपड़ा पहना जाता था हाथ करघा से। तब किसी के घर में एक ताका तैयार हुआ, इसके घर में ये तैयार हुआ, इसके घर में ये तैयार हुआ। तो जो बाहर के ताजिर आते थे, कूफा बड़ी मंडी थी, तो जो बाहर के ताजिर आते थे वो बेचारे घूम घूम कर थोड़ी माल खरीदेंगे, तो जो आड़त होती थी सब लोग ला करके अपना माल वहाँ बेच देते थे। और ये आड़त थी जिसको हम होलसेलर कहते, ये होलसेलर थे, बाहर के जो बाहर की पार्टियाँ आती थी उनके हाथ बेचते थे। इमाम साहब ने बोला जमीन काम करते थे, बहुत बड़ा व्यापार था इमाम साहब का, उनके बाप दादा से चला रहा था, खूब पैसा बरसता था और वैसे ही बांटते भी थे, खूब सबका करते थे, खूब खिदमत करते थे। कितने ऐसे उलमा तलबा जो दीन की खिदमत में लगे हैं, दीन सीखने में लगे हुए, इमाम साहब उनका पूरा पूरा खर्च बर्दाश्त करते थे ताकि ये अपने काम में लगे रहें। ये कमाने चले जाएंगे तो काम कौन करे? एक दिन एक ताका आया जिसमें कुछ मामूली सा आयत था, तो इमाम साहब ने अपने मुलाजिम से कहा, देखो ताका बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर कपड़ा था, लेकिन अंदर कुछ थोड़ा सा आयत, देखो कोई पार्टी आएगी अगर इसको लेना चाहे तो पहले खोल के दिखाना। इस जमाने में अपने माल का ऐब छुपाया जाता है,
वो अल्लाह वाले अपने माल का ऐब दिखाया करते थे। ईमान वाला ताजिर ऐसा होता है, ज़रा मुसलमान ऐसी तिजारत करके तो देखें, तुम मार्केट के राजा बनोगे, लोग तुम्हारे पास लाइन लगा करके माल ले जाएंगे, ज़रा अल्लाह का कहना मान के तो देखो। तो इमाम साहब ने अपने मुलाजिम से कहा, कोई पार्टी आएगी तो उसे खोल के दिखा दो, देखो ये आए गए, फिर कीमत बतलाना, ये कीमत है, तुम्हारी मर्जी, लेना है लो, नहीं लेना है ना लो, इस ऐप की वजह से मैंने इतनी कीमत कम कर दी। उसने कहा ठीक है, लग दिया। हम तो उनसे ऐसा होता था, बाहर की जो बड़ी पार्टियाँ आती थी, अपने हाथ से माल निकाल लिया, चलो हिसाब करो। और इमाम साहब की तो ईमानदारी, अमानतदारी, उस पर सबको इतना भरोसा था, दिन भर में जितना माल था सब बिक गया। शाम में आए इमाम साहब हिसाब देने के लिए, फरमाया वो ताकत आ गया। वो मुलाजिम ने कहा, हजरत मुझे तो बिल्कुल याद नहीं रह गया, वो भी बिक गया। जिसने लिया उसको बताया, हजरत मुझे पता ही नहीं किसने लिया, लिया हिसाब कराया चला गया। अब पता कैसे चले किसने लिया, और बाहर की पार्टियां आती थी, कौन लेकर के कहाँ चला गया मालूम है। हम सब सोचने पड़ गए, ऐब वाला टाका बिक गया, सामने वाले को बताया नहीं गया, मैं बता ठीक है। आज का टोटल कैश कितना है, कितना है सब सबका, पूरे दिन जितना माल बिका था, जितना पैसा जमा हुआ था सब सबका। क्यों? अल्लाह का डर, दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह के पास जाना है। शैतान से अपने को बचाने के ये तरीके हैं, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए शैतान से। आखिर तक डर बाकी रहता है, किसी को शैतान छोड़ता नहीं, हर वक्त आग में लगा रहता है। तो मैं ये कह रहा था, जो आदमी दिन भर शैतान का कहना मानता है, छोटे छोटे फायदों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, वो मौत के वक्त में अपना ईमान कैसे बचाएगा? तो ईमान की हिफाजत के लिए दिल में डर बैठ जाता है। कुरान के बयान किए हुए एक वाक्य को मिसाल बना करके इस बात को समझे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त में गर्मी के ज़माने में टहल रहे थे, जब किप्ती और एक इसराइली का झगड़ा हो रहा था, हजरत मूसा तो शायद आते थे, फिर उन्होंने अपना बेटा बनाया हुआ था, लेकिन इसराइली जानते थे कि हमारे हैं। इसराइली ने शिकायत की, हजरत मूसा ने उस किप्ती को तंबी किया, एक थप्पड़ मारा, लेकिन वो गरीब एक भी थप्पड़ का था, खत्म हो गया। मूसा को अफसोस हुआ, मैं तो ये नहीं चाहता था लेकिन हो गया। दूसरे दिन वही इसराइली में किसी और से झगड़ा कर रहा था, हजरत मूसा ने देखा, उसने पूरा आवाज दी, तो बहुत ताले को रोता है, किसी न किसी से झगड़ा करते हो, तो वो डरा कहीं आज वो थप्पड़ मुझे ना पड़ जाए। तो उसने कहा, मूसा तुम तो गुंडागर्दी करने लगे हो, कल उसको मार डाला था, आज मुझे मारना चाहते हो। अल्लाह, भागा हुआ गया दरबार में जाके इत्तला दिया, हुजूर कल जो दरबारी मारा गया था उसके कातिल का पता चल गया, वो तो मूसा है, शहजादे साहब। अच्छा, गिरफ्तार करो। एक बंदा भाग करके आया और आकर के कहा, या मूसा इन्नल मलाए यअतमिरून बिका लियक्तुलूका फखरुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। मूसा, दरबार में तुम्हारे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, फौरन निकल जाओ। हजरत मूसा के पास इतना वक्त भी नहीं था कि बालिका से जाकर मुलाकात करके फौरन निकल, फौरन चल गया, लेकिन दिल में डर लगा हुआ है, हो सकता है पीछे फौज आ रही हो सकता है पीछे पुलिस आ रही। पहुंच गए मदीन, वहां एक वाकया पेश आया, दो जवान बच्चियां थी, अपनी बकरियों को रोक रही थी पानी पिलाने के लिए, मजमों के मर्दों के बीच में न जाने पाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी का इंतजाम किया, और फिर उनमें से घर जाने के बाद एक बच्ची आई और कहा, चलिए अब्बा बुला रहे हैं, आपने हमारे साथ भलाई की, अब्बा आपको बदला देंगे। हजरत मूसा के वो जो बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हो बेटा, क्या है, बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा,
पहली बात तो यह है कि खतरा खत्म। कैसा दिल खुश हुआ होगा हज़रत मूसा का, सबसे बड़ी खुशखबरी तुम खतरे से बाहर आ गए। नजउता मिनल कौम अज़्ज़ालिमीन, यहाँ फिरौन की हुकूमत नहीं, बाकी बातें बाद में, सबसे अहम बात है। इसी तरह एक ईमान वाला जो वाकई अपनी ईमान की हिफाजत के लिए जिंदगी भर डरता रहता है, आखिरी सांस तक डरता रहता है, उसके लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो सकती है कि उससे कहा जाए खतरा खत्म हो गया? बात समझ में आ रही ना? तो अल्लाह ने फरमाया तहियतुहुम यौमा यलकौनहु सलाम, जिस दिन ये बच्चे अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह उनका ये कहकर इस्तकबाल करेंगे आओ खतरा खत्म, अब तुम बिल्कुल महफूज, अब कोई डर नहीं, अब डर का वक्त खत्म हो गया, यहां शैतान कुछ नहीं कर सकता, तुम अपना ईमान बचा कर ले आए, अब देखो मैं तुमको क्या क्या इनाम दूंगा। तो जन्नत की खुशखबरियां बाद में, पहली खुशखबरी, सबसे बड़ी खुशखबरी, खतरा खत्म हो गया। ये माना है सलाम के, तहियतुहुम यौमा यलकौनहु सलाम, जिस दिन ये ईमान वाले अल्लाह से मिलेंगे। कौन ईमान वाले? जिनके दिल रोशन है। अल्लाह करे मेरा तुम्हारा सबका दिल रोशन हो। किन के दिल रोशन होते हैं? जो हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह करे ऐसी याद हम सीख लें। सीखेंगे ना? करेंगे। जब ये तमन्ना दिल में आ जाती है ना, तो घंटों की मुराद में छोटे लगते हैं। फिर तो इंसान का दिल चाहता है कि 24 घंटे में बस अल्लाह को या अल्लाह की याद में बैठा रहूं और कुछ ना कुछ। और जब वाकई ऐसा करने लगता है बंदा, तब हमें कहना पड़ता है नहीं नहीं और भी काम है, वो भी करो। एक बुजुर्ग ने फरमाया, मैं नाम लेकर बता रहा हूँ, हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने खुद हजरत की जबान से वाकया सुना था। हजरत ने फरमाया कि एक मरतबा हम लोग अरब के किसी मुल्क में जमात लेकर गए हुए थे, वहाँ पर नौजवान मिल गया, उसकी तश्कील करने लगे, तो उसने कहा हाँ मेरी तश्कील कर रहे हैं लेकिन मुझे और भी काम है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है इन्न लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिअय्यिका अलैका हक़्क़न व इन्न लिजसदिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है। हज़रत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया बेटे ये हदीस तुम्हारे सुनाने की नहीं है, हमारे सुनाने की। तो उसने कहा क्या मतलब? कहा जब तुम दीन की मेहनत में ऐसे लग जाओगे कि घर भी भूल जाओगे, घर वालों को भी भूल जाओगे, तो हम तुम्हें सुनाएंगे कि जरा एतदाल पैदा करो, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, आराम भी किया करो। जब तुम वो मत रात रात भर इबादत करूंगा। फिर बतलाया तुम्हें पता है ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे कही थी? एक सहाबिया तशरीफ लाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। हुजूर ने पूछा कैसी गुजर रही है तुम लोगों की जिंदगी, शादी हो चुकी है? उन्होंने कहा हुजूर मेरे शोहर बहुत नेक हैं, बहुत नेक हैं, रोजाना रोजा रखते हैं और पूरी रात इबादत करते हैं। जो दिन भर रोजा रखेगा पूरी रात इबादत करेगा वो और किसी काम का होगा? इतनी खूबसूरती से उस खातून ने अपने शोहर की शिकायत की। हुजूर ने फरमाया अच्छा देख देना। अब जब वो आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आपने इरशाद फरमाया मैं तुम्हारे लिए नमूना हूं, देखो मैं हमेशा रोजा नहीं रखता, कभी रोजा रखता हूँ कभी इफ्तार करता हूँ, और देखो मैं पूरी रात इबादत नहीं करता, कुछ वक्त जागता हूँ, कुछ वक्त सोता हूँ, कुछ वक्त आराम करता हूँ, कुछ वक्त अल्लाह को याद करता हूँ। और फिर फरमाया इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, रोजा का रोजा रखोगे रात भर इबादत करोगे तो बीवी के हुकूक कैसे अदा होंगे? वह इन्ना लिज़सदिका अलैका हक़्क़न, तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, वह इन्ना लिअय्यिका अलैका हक़्क़न, साहिबज़ादे ये तुम्हारे सुनाने के नहीं हमारे सुनाने। तो फिर जब अल्लाह की याद का चस्का लग जाता है ना,
तो फिर तो दिल चाहता है हर वक्त बैठे रहें, कभी ना उठें। तब वक्त आता है कि हम समझाते हैं कि नहीं नहीं, दिल को हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखो, हर वक्त मुराकबा मत करो, हर वक्त बैठे ही मत रहो कोना पकड़ करके। जाओ काम करो, दीन के भी काम है वो भी करो, दुनिया के भी काम है वो भी करो, कारोबार भी करो, घर का भी काम करो। दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया, मेहनत करो कमाओ। ये समझना कि असबाब को छोड़ देना तवक्कुल है, ये तवक्कुल नहीं है, तातुल है। तातुल इसके माना है बेकारी। असबाब को जानबूझ कर छोड़ना ये अल्लाह के निजाम का इनकार करना है। और जो असबाब छोड़वाता है वो दीन का दोस्त नहीं दुश्मन है। दुनिया को अल्लाह ने दारुल असबाब बनाया है। अल्लाह से ज्यादा कोई हिफाजत करने वाला है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई तवक्कुल करने वाला है? जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भरोसा 100% अल्लाह की जात पर है, और सहाबा ने एक एक जरा पहनी हुई, जैसे इस जमाने में फायर प्रूफ जैकेट होती है, ऐसी उस जमाने में लोहे की जरा होती थी तलवार के मार से बचने के लिए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं दो जरे पहनी हुई। दो जरे सबक पर भरोसा नहीं है, लेकिन अल्लाह के निजाम में इसे सबक इख्तियार करना है। नौजवानों मेहनत करके कमाओ, बेकार बैठे रहना और कर्ज लेना और यूं समझना कि हम मुतवक्किल हैं, ये तवक्कुल नहीं है, ये तातुल है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ये अल्लाह को नापसंद है, इससे कोई वली नहीं बनता, शैतान का दोस्त बनता है। तौबा करो गलतियों से, दीन सीखो, दीनदारों के करीब आओ, उलमा से दीन सीखो और दीनदार बनो। अपनी मर्जी को दीन मत समझो, नफ्स की बंदगी से तौबा करो, अल्लाह की बंदगी सीखो, शैतान की इताअत से तौबा करो, अल्लाह के रसूल की इताअत सीखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उसी का हिस्सा है। जब मामला हद से बढ़ेगा तो हम समझाएंगे कि नहीं नहीं रुको, काम करो, और भी काम है, दुनिया के भी काम है वो भी करो, दीन के भी काम है वो भी करो, और साथ में अल्लाह की याद के लिए वक्त भी निकालो। तो बंदा डरता रहता है, अभी इंसान से डरता रहता है। पहली खुशखबरी जो मिलेगी अल्लाह की जानिब से, तहियतुहुम, अल्लाह यही कहकर इस्तकबाल करेंगे। बंदे अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह आ जाओ सेफ हो गए, आ जाओ महफूज हो गए, आ जाओ खतरा खत्म हो गया। तहियतुहुम यौम यलकौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा, और अल्लाह ने अपने ऐसे बंदों के लिए बेहतरीन अजर तैयार किया हुआ। को याद रखो, ये दिलों को रोशनी मिलती कहां से? दिन में रोशनी होती है तो रोशनी कहां से मिलती है? सूरज से ना। लेकिन अल्लाह से पूछे कहां से मिलती है? अल्लाह कहते हैं अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्ध, रोशनी जमीन में हो या आसमान में अल्लाह की है। तो हम सूरज का इनकार करें? ये सूरज की नहीं नजर आ रहा है, सूरज की तो इसका इनकार कर देंगे अल्लाह की नहीं है, अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह की है। यानी हकीकत में रोशनी देने वाले अल्लाह हैं, जरिया सूरज को अल्लाह ने बनाया है। जिस तरह जाहिरी दुनिया में हकीकत में रोशनी देने वाले अल्लाह हैं, लेकिन जरिया अल्लाह ने सूरज को बनाया है, इसलिए जमीन का जो टुकड़ा रोशन होना चाहता है उसे अपना रिश्ता सूरज से जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह रूहानी दुनिया में दिनों को रोशन करने वाले अल्लाह हैं, लेकिन अल्लाह ने जरिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को बनाया है। दिलों को रोशन करने वाला सूरज कल्ब मोहम्मदी है, इसलिए जिसे अपना दिल रोशन करना है उसको अपना दिल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से जोड़ना पड़ेगा। يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا। ये मैं आपको कहानियां नहीं सुना रहा, कुरान सुना रहा हूँ, अल्लाह की किताब सुना रहा हूँ, जिसमें कोई ये नहीं कह सकता पता नहीं बात कच्ची है कि पक्की है, पता नहीं साबित भी है या नहीं साबित, कुरान से ज्यादा साबित नहीं की बात हो सकती। يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا। ऐ पैगंबर, हमने आपको गवाह बनाया है
और हमने आपको इसलिए भेजा है कि जो आपका कहना माने आप उसे खुशखबरी सुना दें, और जो कहना न माने आप उसे हमारे अज़ाब से डरा दें। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और हमने आपको इसलिए भेजा है कि आप अल्लाह के हुक्म से बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। वसिराजम मुनीरा, और हमने आपको रोशन चिराग बनाया है। आपका वजूद, आपका कल्बे अतहर रोशन चिराग है, दिलों को रोशन करने वाला सूरज है कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए सुन्नतों के इत्तिबा के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। हमारा आइडियल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी पसंद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। ईमान कामिल नहीं होता जब तक हुजूर का तरीका हमारा फैशन न बन जाए, हुजूर का तरीका हमारी चाहत न बन जाए। لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به, उस वक्त तक किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरे दीन की पावन न हो। तो आज से किसको पसंद करेंगे इंशाल्लाह, हुजूर का तरीका या किसी और का तरीका? चेहरा किसका, लिबास किसका? हुजूर का। खाना पीना किसका? लेकिन ये समझ के उठो कि गलत कर रहे हो। जो गलत कर रहा है वो ये समझ के उठे कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कुरान ने कहा है आप समझा दीजिए ताकि हर गलती करने वाला समझ जाए, उसके बाद वो फैसला खुद करे। लियहलिका मन हलका अन बैना व यहया मन हया अन बैना, जिसे मरना है समझ कर मरे, जिसे जीना है समझ कर जिए, जिसे गलत रास्ते पर चलना है शौक से चले लेकिन समझ के चले कि मैं जहन्नम के रास्ते पर जा रहा हूँ, जिसे जन्नत के रास्ते पर चलना है वो पूरी खुशी के साथ चले, समझ कर चले कि मैं जन्नत के रास्ते पर चल रहा हूँ। अब बताओ कौन सा रास्ता पसंद है, जन्नत का या जहन्नम का? तो फिर किसको अपनाएंगे, किसका तरीका अपनाएंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खुलासा निकला? दिलों को रोशन करने के लिए क्या जरूरी है? कसरत जिक्र, इत्तिबाए सुन्नत, दोनों काम करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर अब तक जो कोताही हुई उससे तौबा कर लेते हैं, अल्लाह माफ़ फरमा दे, और आज के बाद से इन दोनों कामों में कोई कमी नहीं आने देंगे। कौन से दो काम? कसरत ज़िक्र और इत्तिबाए सुन्नत। हर काम सुन्नत के मुताबिक करेंगे, हर वक्त अल्लाह को याद करेंगे। फिर देखो मेरे दोस्तों, रहमतें बरसेंगी। नफरत करने वाले मोहब्बत करेंगे। ये जो आज शिकायत है ना, लोग हमसे नफरत करते हैं। लोगों के दिलों में हमारी नफरत अल्लाह ने डाली है। अंधेरा किसी को अच्छा नहीं लगता, रोशनी सबको अच्छी लगती है। हमने अपने दिलों को तारीफ किया है इसलिए लोग नफरत करते हैं। हम रोशन करके देंगे, मोहब्बत करेंगे, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अब नियत कर लें, आज तक जो गुनाह हुए हम सच्ची तौबा करते हैं, आज से अल्लाह की नाफरमानी नहीं करें। जितने भी काम है सब में लगे रहेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन ये दो काम बाकायदगी से सीखेंगे। ये हमारे हमारे ईमान के लिए ज़रूरी है, हमारे दिल को जिंदा करने के लिए ज़रूरी है, हर काम को जानदार बनाने के लिए ज़रूरी है। चाहे वो दावत हो या इबादत हो या पढ़ना पढ़ाना हो, हत्ता कि चाहे वो तिजारत हो या माशरत। अरे क्यों हो रहा है ऐसा? दावत में लगे चार चार महीने लगा और लोगों का हक मार के बैठे हुए, ये ईमान है? ये ऐसे ही है जैसा डंडे से पंखे को हिलाया जा रहा है, करंट नहीं है। ईमान आ जाए उसके बाद जिसका हक है उसको ढूंढ ढूंढ कर अदा करेंगे। मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मदरसे में पढ़ा रहे हैं, दीन की बातें कर रहे हैं और तन्हाइयों में अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, ये ईमान है? क्यों हो रहा है ऐसा? मैं किसी को तंकीद नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता किसी की तौहीन मकसूद नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों सोचो ये क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये मामलात की खराबी, ये मुआशरत की खराबी, ये अखलाक का बिगाड़, ये क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है कि दिल तारीख है। जब दिल रोशन हो जाएंगे इंशाल्लाह हर अमल में जाना जाए।
फिर दावत में भी जान आएगी, इबादत में भी जान आएगी, तिजारत में भी जान आएगी, अखलाक में भी जान आएगी, माशरत भी अच्छी हो जाएगी, मामलात भी अच्छे हो जाएंगे, पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी और बंदा अल्लाह का चहीता बन जाएगा, अल्लाह का वली बन जाएगा। दुकान में बैठा होगा अल्लाह का वली होगा, बाजारों में फिरना होगा और अल्लाह का वली होगा। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, अल्लाह बना दे। तो सच्ची तौबा की नियत करें और फिर इन कलिमात को साथ साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमनतु बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमाए, तू से इसकी हिफाजत फरमाए। जिन लोगों ने सिलसिले में दाखिल होने की नियत की है, वैद की नियत की है, वो ज़रा मामूलात को गौर से सुने और उनकी पाबंदी करें। सुबह शाम की तस्बीहात की पाबंदी करें। बैठ कर पढ़े तो अच्छी बात है, मसरूफियत हो तो चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना चाहिए। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, हर वक्त दिल में अल्लाह का ध्यान रखें और रोजाना सुबह और शाम कुछ वक्त ऐसा फारिग करें जिसमें हर चीज से हट कट कर अल्लाह की याद में खो जाए। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतवक्कल इलैहि तब्तीला, अपने रब का इस तरह नाम लिया कीजिए कि हर चीज़ से कट कर अल्लाह से जुड़ जाए करें। इसको मुराक़बा कहते हैं, आँख बंद करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दिल पर ध्यान जमा कर बैठें और दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें और बस ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत मेरे दिल में आ रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा है। जबान से नहीं कहना, बस ये सोच रहा है कि मेरा दिल अल्लाह 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 कह रहा है और इस तरह गुम हो जाए कि किसी चीज़ का ख्याल ना रहे, अपनी ज़ात का भी ख्याल ना रहे, ज़मीन और आसमान का भी ख्याल ना रहे, बस अल्लाह अल्लाह। फिर अल्लाह का फर्ज होता है कि दिल से अल्लाह अल्लाह सुनाई देने लगता है। और कहेंगे दिल में कैसे सुनाई देगा? हाँ, दिल के भी कान होते हैं, दिल की आंखें होती हैं, ये कुरान से साबित है। दिल के कान होते हैं, ये हदीस से साबित है। दिल की आंखें होती हैं, मैं कुरान की आयत आपको सुना। अल्लाह ताला ने बाद लोगों के बारे में इरशाद फरमाया, फइन्नहा ला तअमल अबसार, ये अगरचे सर की आंखों से अंधे नहीं है, वलाकिन तअमल कुलूबुल लती फिस सुदूर, लेकिन इनके सीनों में जो दिल है वो अंधे हैं। पता चला दिल की आंखें होती हैं, साबित हो गया कुरान से। दिल के कान होते हैं जिनसे दिल सुनता है, यह हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं मांगा करते थे उसमें आप एक दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा फ्तह मसामिअ कल्बी लिज़िक्रिक, अल्लाह अपना नाम सुनने के लिए मेरे दिल के कान खोल दीजिए, साबित हो गया। तो फिर अल्लाह दिल के कान खोल देते हैं, फिर अल्लाह अल्लाह सुनाई देने लगता है, फिर तो ऐसा मज़ा आता है कि उठने का दिल ही नहीं करेंगे। अभी से शुरू करें, आँखें बंद करें, सर को झुकाएँ, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस सब से हट कट कर अल्लाह की याद में खो जाएं और ये नियत करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों को धो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़बान से अल्लाह अल्लाह न कहें, बस ये नियत करें कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है, मैं सुन रहा हूँ।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए सुभान रब्बिल अलील अला वहाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यदिना मुहम्मद वबारिक वसल्लम रब्बना ज़लमना अनफुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन परवरदिगार आलम हम इक़रारी मुजरिम हैं आपके दरबार में हाजिर हैं अल्लाह हमारे दिल बहुत गंदे हैं अल्लाह बहुत गंदे हैं दिल अल्लाह हमारे दिलों की गंदगियाँ दूर फरमा दे अल्लाह नफ्स और शैतान की गुलामी से छुटकारा चाहते हैं अल्लाह बहुत कमज़ोर हैं बार बार तौबा करते हैं बार बार तौबा टूट जाती है अल्लाह आप बचा लीजिए अल्लाह आप बचा लीजिए अल्लाह आप ही जिसको बचाएंगे वो बच सकेगा अल्लाह आप बचा लीजिए अल्लाह आप हिफाजत फरमाइए अल्लाह बहुत गुनाह किए हैं अल्लाह बहुत गुनाह किए हैं ज़िंदगी ज़ाया कर चुके हैं अल्लाह अल्लाह दिन के उजाले में भी गुनाह किए हैं रात के अंधेरे में भी गुनाह किए हैं मजमे में भी गुनाह किए हैं तन्हाइयों में भी गुनाह किए हैं अल्लाह किसी गुनाह से इनकार नहीं कर सकते और अल्लाह हमारे इनकार कर देने से कुछ होता भी नहीं है सब कुछ रिकॉर्ड है सब क़यामत के दिन सामने आ जाएगा अल्लाह उस दिन की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा अल्लाह जी माफ फरमा दीजिए अल्लाह उस दिन की जिल्लत और रुसवाई से बचा दीजिए अल्लाह दिन के गुनाहों को भी माफ़ कर दीजिए रात के गुनाहों को भी माफ़ कर दीजिए अल्लाह तन्हाई के गुनाहों को भी माफ़ कर दीजिए मजमे के गुनाहों को भी माफ़ कर दीजिए अल्लाह अपना बना लीजिए अल्लाह अपना बना लीजिए अल्लाह अल्लाह दिलों को रोशन कर दीजिए अल्लाह दिलों की ज़ुल्मत और तारीकी दूर फरमा दीजिए अल्लाह दिलों को रोशन कर दीजिए अल्लाह हमारे पूरे वजूद को रोशन कर दीजिए अल्लाह पूरे वजूद को अपनी मोहब्बत से भर दीजिए अल्लाह हमारे अंग अंग में रोवे रोवे में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए अल्लाह हमारे दिल को जाकिर बना दीजिए दिल को रोशन कर दीजिए अल्लाह हमारे सारे आज़ा को रोशन कर दीजिए मुकम्मल वजूद को रोशन कर दीजिए अल्लाह गुनाहों की जिल्लत से बचा दीजिए अल्लाह गुनाह कर करके बहुत जलील हो चुके अल्लाह गुनाह कर करके आपकी निगाहों से भी गिर गए मखलूक की निगाहों से भी गिर गए हम शिकायत करते हैं कि मखलूक हमसे नफरत करती है अल्लाह हमने काम ही ऐसे किए हैं कि सब हमसे नफरत करें अल्लाह गुनाहों की जिल्लत से बचा दीजिए ताआत की इज्जत नसीब पर बह दीजिए अल्लाह ताआत की इज्जत नसीब पर बह दीजिए अल्लाह कुछ पता नहीं है ज़िंदगी के कई दिन बाकी हैं कई रातें बाकी हैं किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाएगी अल्लाह ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तो ज़ाया कर चुके हैं अल्लाह जो भी बची हुई ज़िंदगी है उसे पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना दीजिए अल्लाह जो भी बची हुई ज़िंदगी है उसे पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना दीजिए अल्लाह आने वाले वक्त को पिछले वक्त से बेहतर बना दीजिए अल्लाह हमने नाफरमानी करके ना आपका कुछ बिगाड़ा ना आपके नबी का कुछ बिगाड़ा अपना नुकसान किया है अल्लाह अल्लाह हमने अपना नुकसान किया अल्लाह हमारी आँखें खोल दीजिए अल्लाह हमें अपने नुकसान से बचा दीजिए अल्लाह अल्लाह एक दरख्वास्त से ये पूरा मजमा आपकी मोहब्बत में इतनी देर से आपके घर में बैठा है अल्लाह मसरूफियत का वक्त है उसके बावजूद इतना बड़ा मजमा सिर्फ आपकी मोहब्बत में बैठा है अल्लाह इस पूरे मजमे के दिलों पर एक मोहब्बत की नज़र डाल अल्लाह एक मोहब्बत की नज़र डाल दी अल्लाह आपकी मोहब्बत की नज़र पड़ जाती है तो वक्त के डाकू औलिया के इमाम बन जाते हैं अल्लाह अल्लाह वही नज़र जो आपने हजरत उमर इब्न खत्ताब पर डाली थी अल्लाह वही नज़र जो हजरत खालिद सैफुल्लाह पर डाली थी अल्लाह वही नज़र जो हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज़ पर पड़ी थी अल्लाह वही नज़र जो हजरत मालिक इब्न दीनार पर पड़ी थी अल्लाह वही नज़र जो हजरत बिशर हाफी पर पड़ी थी अल्लाह ये सब तो अपने अपने ज़माने के बहुत बिगड़े हुए लोग थे बहुत बुरे लोग थे लेकिन अल्लाह आपकी नज़र पड़ी तो ये औलिया के इमाम बन गए हजरत उमर फारूक आज़म बन गए हजरत खालिद सैफुल्लाह बन गए बाकी सब औलिया के इमाम बन गए
आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है अल्लाह, अल्लाह एक नज़र डाल दीजिए, अल्लाह डाल दीजिए, अल्लाह हम पर भी, हमारे घर वालों पर भी, हमारे तमाम मुतालिकीन पर, मर्दों पर, औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, अल्लाह सब पर एक नज़र डाल दीजिए। अल्लाह गंदे दिल लेकर आए थे, अल्लाह गंदे दिलों के साथ वापस न कीजिए, अल्लाह ये न कह दीजिएगा इतने गंदे दिल लेकर मेरे पास क्यों आए हो। अल्लाह अल्लाह धोबी जिसको आपने पैदा किया वो लोगों से गंदे कपड़े ले लेता है, ये नहीं कहता गंदे कपड़े मेरी दुकान पे क्यों लाए हो, वो तो कहता है लाओ जितने गंदे कपड़े हो लाओ, मैं तुम्हें धो कर साफ करके दूंगा। अल्लाह आप तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह आप तो अरहमुर राहिमीन है, आप अला कुल्ली शयइन कदीर है। अल्लाह हम गंदे दिल लेकर आए हैं, अल्लाह धो दीजिए प्यारे, अल्लाह धो दीजिए, अल्लाह पाक कर दीजिए, अल्लाह साफ कर दीजिए, अल्लाह तारीख दिल लेकर आए हैं रोशन कर दीजिए, अल्लाह हमारे दिलों को फिक्स कर दीजिए, अल्लाह हमारे दिलों को जमा दीजिए, अल्लाह हमें इनामत नसीब फरमा दीजिए, अल्लाह हमें इनामत नसीब फरमा दीजिए, हर वक्त अपनी याद नसीब फरमा दीजिए, हर वक्त अपनी तवज्जो नसीब फरमा दीजिए, अपने खुसूसी रहमत का हिस्सा अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी दुनिया की ज़रूरतें भी आपकी पूरी करने वाले हैं, अल्लाह आपने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, हमारे लिए असबाब मुहैया फरमा दीजिए। अल्लाह रोज़ी की तंगी से हमारी हिफाजत फरमाइए, घरों की तंगी से हिफाजत फरमाइए, बीमारियों और परेशानियों से हिफाजत फरमाइए। अल्लाह जो भी औलाद है उनको नेक साले औलाद अता फरमाइए। अल्लाह जिनके बच्चे और बच्चियाँ शादी की उम्र को पहुँच गए हैं, माँ बाप के लिए उनका फ़र्ज अदा करना आसान फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे ज़ाहिर को भी 100% सुन्नतों से सजा दीजिए और हमारे बातिन को अपनी याद से आबाद फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे बातिन को हमारे ज़ाहिर से बेहतर बना दीजिए और हमारे ज़ाहिर की भी काबिल इस्लाह फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी आखरत हमारी दुनिया से बेहतर बना दीजिए और हमारी दुनिया को भी, अल्लाह हमारे दुनिया के भी सारे काम बना दीजिए। अल्लाह हमारी इबादतों को जानदार बना दीजिए, हमारी दीनी मेहनतों को जानदार बना दीजिए, अल्लाह हमारी तिजारतों को जानदार बना दीजिए। अल्लाह दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, अल्लाह हर मौके पर हमें नफ्स और शैतान के गुलामी से बचा दीजिए, अपनी बंदगी अता फरमा दीजिए, अपने दैवी खजानों से अल्लाह हमारी ज़रूरतें पूरी फरमाइए, उसके ज़ाहिरी असबाब हमारे लिए मुहैया फरमाइए और उन असबाब से फ़ायदा उठाना हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। अल्लाह दीन की सही समझ अता फरमाइए, ना समझी से हमारी हिफाजत फरमाइए, ना समझों के पीछे चलने से हमारी इबादत फरमाइए। अल्लाह हमें समझ अता फरमाइए और समझदारों के पीछे चलने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह उठने से पहले हम सबसे राजी हो जाइए, अल्लाह उठने से पहले हम सबसे राजी हो जाइए, अल्लाह हमारी मगफरत फरमा दीजिए, अल्लाह हमें जहन्नम से आज़ाद कर दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।